पसपौली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली इंदुरा चौक से वाहन चोरी का मामला सामने आया है। जाल इलेक्ट्रिक सामान खरीदने आए व्यक्ति की दुपहिया शाते चोर ने उड़ाली, जिसे पसपौली पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल दिनांक 30 जून को ज्योति नगर निवासी 52 वर्षीय रविन्द्र खंडारी, जो कि इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, वह इंदुरा चौक में इलेक्ट्रिक सामान खरीदने के उद्देश्य से शाम 4:30 बजे इंदुरा चौक में आए थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी गाड़ी निकटतम बिल्डिंग के पास पार्क की और अपना काम खत्म कर मौके पर पहुंचे। लेकिन उसी बीच जब वह अपना काम खत्म करके वापस आए तो उनकी दोपहिया पार्क की हुई जगह से गायब थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए फरियादी ने संबंधित शिकायत पसपौली पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद कार्यवाही के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 2 जुलाई को मामले में निहित आरोपी 31 वर्षीय आदर्श नगर निवासी बादल और बुंडर संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से फरियादी की आई स्मार्ट दुपहिया समेत नवी कामटी पुलिस थाना क्षेत्र से चुराई गई होंडा शाइन बरामद की गई है। ऐसा कुल मिलाकर 85,000 का मुद्देमाल जब्त किया गया है, जिसकी जानकारी पसपौली के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बापूराव राउत ने दी है। बरोबर, वाहन चोरीचे गुन्हा उघडकीस आले होता, त्याच्यात 1/7/2024 रोजी संध्याकाळी फिर्यादीनी इंदुरा चौकात इलेक्ट्रिक सामान घेण्यासाठी आला होता। अर्ध्या तासात त्याला गाडी मोटरसायकल दिसली नाही, त्याच्यावर आम्ही CCTV फुटेज वगैरे चेक केली। त्याच्यात एक बादर उर्फ बुंडर संजय राऊत नावाचा सिद्धार्थ नगरचा तो सापडला, त्याला विचारपूस केली असते, त्यांनी ती गाडी ते दिली। त्याच्या व्यतिरिक्त एप्रिल महिन्यात एक नवीन कामठीमध्ये चोरी गेलं होतं होंडा शाईन, ती पण जप्त केली। अशा पद्धतीने दोन्ही गाड्या जप्त करून त्याला मान्य न्यायालयात हजर केलं असतं, त्याला जेल रवाना केलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।